नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एक्सपर्ट इंटरव्यू में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि जो जी प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, और जब पूरा जी प्रोफाइल का किचन या बेसिकली हम किचन में जी प्रोफाइल यूज करते हैं तो किचन पूरा जी प्रोफाइल का बन जाता है, उसके बाद उसका लुक कैसा आता है, जी प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि जी प्रोफाइल क्या होती है, किस तरीके से वो दिखती है। इसके अलावा भी जी प्रोफाइल और भी टाइप की होती है, जैसे कि कलर में उनका डिफरेंट होता है, उसके बाद जे प्रोफाइल भी आती है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं फ्यूचर में काफी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूँ तो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी प्रोफाइल क्या होती है। अब जी प्रोफाइल हैंडल प्रोफाइल भी बोलते हैं, जी प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो इस तरीके की जी प्रोफाइल होती है, ये आप देख सकते हो। अब जी प्रोफाइल को इस तरीके से पकड़ के खींचा जाता है और ये कुछ इस तरीके की जी प्रोफाइल होती है। अब लुक वाइज आप पहले तो देख लीजिए कि जब पूरा किचन बन जाता है उसके बाद किस तरीके से जो जी प्रोफाइल है वो दिखती है। बट अगर इस तरीके का कहीं पर भी कॉर्नर आ रहा है तो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखती है। अब इनको जो ये अब खड्डे आप देख पा रहे हो, इनको अगर बंद करना होता है तो भी इसके लिए एक अलग से प्लग आता है, वो हम ला सकते हैं, और इन जो साइड से अगर इस तरीके से दिखता है उनको हम बंद कर सकते हैं। अब जी प्रोफाइल में एक दिक्कत यह आती है कि ये जो कॉर्नर होता है अगर इसको अच्छे से नहीं घिसा जाए तो यहाँ पर आपकी साड़ी या फिर कोई भी कपड़ा इसमें फंस जाता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जी प्रोफाइल कैसी होती है और किस तरीके के दिखती है और लगने के बाद वो कैसी दिखाई देती है। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देखने को मिला होगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि यह किसी न किसी के काम आ सकता है तो अपने रिलेटिव को जिनके घर में फर्नीचर बन रहा है उनको यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उससे होगा कि उनकी थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी, और मैं उनको ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा जिससे वो फर्नीचर में काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।